हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ बुशरा खान आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सो so, इस टेंस को डिस्कस करते हुए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें यूज़ होने वाली वर्ब्स इसको कैसे पहचाना जाता है इसके सारे रूल्स इसका एफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी डिस्कस करेंगे सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है विल बी या शेल बी शेल बी आई और वी के साथ आएगा और बाकी सब के साथ विल बी का यूज किया जाता है उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या है जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो तो आपको यूज करना होगा गोइंग एंजॉय है तो एंजॉयिंग ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग प्ले है तो प्लेइंग एक्सेट्रा सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट सो so ये हो गया इसका स्ट्रक्चर अब देखिए इसको हिंदी में कैसे पहचानना है तो इस सेंटेंस के एंड में हिंदी के अंदर रहा होगा रही होगी रहे होंगे आता है अब बात करते हैं इसके रूल्स की और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको विद एग्जाम्पल्स सो फर्स्ट रूल इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज फ्यूचर में कुछ टाइम तक रहने वाले एक्शंस के लिए होता है अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मीन्स बात फ्यूचर की हो रही है कंटिन्यूस मीन्स फ्यूचर में काम लगातार चल रहा है सो so, इसका फर्स्ट रूल यही है कि ये फ्यूचर की बात करता है और उसके ऐसे एक्शंस को बताता है जो फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहने वाले हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं सो so आपको ईजीली समझ में आ जाएगा सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टू नाइट सो आप देख सकते हैं इसकी हिंदी है वह आज रात लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी मीन्स ये काम अभी तक हुआ नहीं है और ना ही ये काम हो रहा है यह होने वाला है और यह काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा सो so, ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून बच्चा दोपहर में सो रहा होगा थर्ड इज एट ट्वेल्व ओ क्लॉक वी विल बी अ मैराथन दिस फ्राइडे टोनी इस फ्राइडे मैराथन में भाग रहा होगा सो so, आप देख सकते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में फ्यूचर में कुछ काम होने वाला है और कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा So, ये हो गए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स अब देखते हैं इसके सेकेंड रूल को सो सेकेंड रूल इज कि इस टेंस का यूज फ्यूचर के कुछ प्रोग्राम या प्लान्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल मनीष विल बी मीटिंग मीट टुमारो। मनीष मुझसे कल मिल रहा होगा नेक्स्ट इज विनय विल बी फ्राइडे विनय वहां फ्राइडे तक रह रहा होगा नेक्स्ट इज I shall be doing this work till the end of this month. मैं यह काम इस मंथ के एंड तक कर रही होंगी नेक्स्ट इज होने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा अब आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस में फ्यूचर का कोई प्रोग्राम या प्लान एक्सप्रेस किया गया है सो so, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है अब बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की So, इसका नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले यूज किया जाएगा सब्जेक्ट फिर आएगा विल नॉट बी या शेल नॉट बी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल शी विल नॉट बी रीडिंग माई ई मेल्स एनी मोर वह मेरे ई मेल्स अब नहीं पढ़ रही होगी द किड्स विल नॉट बी प्लेइंग विद टॉयज बच्चे टॉयज से नहीं खेल रहे होंगे नेक्स्ट इज दे विल नॉट बी doing एनी वर्क tomorrow. वे कल कोई काम नहीं कर रहे होंगे वह अपने एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रही होगी। वह अपने कपड़े नहीं धो रहा होगा शी विल नॉट बी enjoying द वेदर वह मौसम को इंजॉय नहीं कर रही होगी एक्सेट्रा अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की सो so, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शेल या विल को स्टार्टिंग में यूज किया जाता है उसके बाद आता है सब्जेक्ट फिर बी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल, विल शी बी गोइंग टू स्कूल क्या वह स्कूल जा रही होगी नेक्स्ट इज विल ही बी वेटिंग फॉर मी क्या वह मेरा इंतजार कर रहा होगा नेक्स्ट देखिए विल द किड्स बी मेकिंग नॉइज क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे नेक्स्ट इज विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे लास्ट एग्जाम्पल इज विल शी बी राइटिंग एन एस ए इन एग्जाम क्या वह एग्जाम में एक एस से लिख रही होगी एक्सेट्रा सो so, ये था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें